प्रसून जी, आपकी आपका गाना एक बहुत सुंदर बना है, आपने बहुत मोतियों से, अपने शब्दों के मोतियों से बहुत बेहद ही अच्छा पिरोया है, और एक बार फिर आप आ रहे हैं इसके साथ, क्या उम्मीदें हैं आपको? इट्स लाइक एन एंथम जी. मुझे इससे पहले इस देश से जुड़े हुए गीत आपने सुने, रंग दे बसंती में काम किया था, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल अलग अनुभव है. क्योंकि देखिए, एक होता है कि आप कॉन्टेक्चुअल फिल्म की बात करते हैं, तो इस फिल्म के डायलॉग भी मैंने लिखे हैं, तो उस वक्त एक दूसरी अप्रोच होती है, और दूसरी एक चीज़ होती है जिसे ट्रिब्यूट आप कहते हैं. ये एक ट्रिब्यूट है हम सबका. मेरे लिए मूलतः ये फिल्म करने का मूल कारण, उस वक्त मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन मूल कारण दो थे. एक तो ये फिल्म, मुझे लगता था, पता नहीं क्यों हम रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान चरित्र पर एक फिल्म, हमारे पता नहीं कब एक फिल्म बनी थी, क्यों नहीं बनती है, और ये खबर आई कि एक फिल्म ऐसी बन रही है, और ऊपर से सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, वो कंगना रनावत उसे प्ले करने की का इरादा पक्का कर चुकी है. तो आई थिंक आई कुंड हैव आस्क्ड फॉर बेटर, बिकॉज हमेशा जो आप अनुभव करते थे, महसूस करते थे, वो हो रहा था. और दिस वॉज अ टाइम फॉर मी टू बी एबल टू राइट एंड थिंक अबाउट, क्योंकि क्या हो गया है कि ये किसने पता नहीं किया है कि देश से जो प्यार है उसको अनुकूल बना दिया किसी ने, कह दिया कि भाई देशभक्ति और ये क्या है, ये तो खास बड़ी बात नहीं है. भाई किसी से भी प्यार हो वो कूल रहना चाहिए, और जब देश से बात आ जाए तो ये सब उठ करके सोचने की जो एक जज्बा है वो कभी नहीं मरना चाहिए. क्योंकि मैं बहुत हर्ट होता हूँ ये बात सोच के कि हमारे यंगस्टर्स एंड ऑल कहते हैं कि मतलब क्या ज़रूरत, क्या ज़रूरत है, प्यार है तो उसको जताने की भी ज़रूरत है. और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से एक हैशटैग शुरू करना चाहता था, देश प्रेम जताओ, और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, कोई इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ कि वो शुरू करूँ मैं, कि देश प्रेम जताओ. आपका कोई भी तरीका हो देश प्रेम जताने का, कविता लिख कर, गीत लिख कर, पेंटिंग बना कर, लेकिन बॉस जताना तो पड़ेगा, प्यार है तो दिखाओ यार, तो पहनो, वेयर इट ऑन योर स्लीव्स, यू नो, इश्क और मुश्क छुपे नहीं छुपते कहते, वो छुपाने की क्या जरूरत है, प्यार किया भाई. तो देश प्रेम जताओ का मैं हैशटैग करता हूं, और मुझे लगता है इस फिल्म के गीत, और मुझे खुशकिस्मती है कि शंकर महादेवन, जिनको महादेवन मैं समझता हूँ, क्योंकि सचमुच इनसे अच्छा वॉइस इन गीतों को शायद ही मिलती, और एहसान लॉय जो कि जो साथ में जब भी हम लोग जुड़ते हैं और बात ऐसे निकल जाती है कि पता नहीं लगता कब काम हो गया. सो आई थिंक कमल जी थे इसमें, और बाकी लोगों से मेरा इतना परिचय नहीं हुआ, बात कम आप लोगों के साथ, बट आपने मेरे शब्द बोले हैं, डायलॉग्स बोले हैं, सो आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल रेजोनेट व्हाट हैज़ बीन डन बाय ऑल ऑफ यू हियर, एंड स्पेशली व्हाट कंगना हैज़ डन रिमार्केबली इन दिस फिल्म. खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और कंगना हमारी बॉलीवुड की रानी है. थैंक यू. देशभक्ति कितनी जागी, और दंडपट्टा और हॉर्स राइडिंग करते वक्त क्या भावना थी आपकी? देखिए, आई थिंक मैं तो जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा जाने माने हैं, और उनके जो जितने भी थॉट्स हैं, जैसे परसून सर के जो शब्द हैं उनसे मुझे तो सीखने को ही बहुत ज़्यादा मिला, और जो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग से नाम दिए गए हैं, चेस्ट थम्पिंग, जिंगोइज़म, ये नेशनलिज्म, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है,
लेकिन ये चीज देखने को मिलती है कि जब हम इस तरह के शब्द हमारे सेट पे यूज करते थे तो खड़े होके कहते थे परसून सर हो या चाहे विजेंद्र सर हो, हाँ तो है, चेस्ट थंपिंग जिंगोइज्म है, सो व्हाई नॉट, सो हाउ पैशनेट यू आर, दैट्स हाउ योर पैशन इज गोइंग टू बी. इट्स जस्ट लाइक परसून सर ने आज इतनी खूबसूरत बात कही कि प्यार कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके लिए कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए. और जब ये एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में हो रही है और हर तरह का झंडा लहराया जा रहा है, सतरंगी, पांच रंगी, तीन रंगी, दो रंगी, तो हमारे तिरंगे में क्या बुराई है. सो आई थिंक हम में कहीं भी शर्मिंदा जो भी लोग करना चाहते हैं इसके लिए वी शुड नॉट फील अशेम्ड. एंड बाकी लाइक आई सेड, यू नो आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वेरी बिग फिल्म. और मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मैंने हमेशा आज तक छोटी छोटी फिल्मों में काम किया है. दिस इज़ एक्चुअली अ बिग फिल्म, नॉट बिकॉज ऑफ द बजट, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी. इट इज़ अ बिग फिल्म बिकॉज द काइंड ऑफ आर्टिस्ट आई एम गेटिंग टू वर्क विथ. एंड शंकर सर, एहसान सर एंड लॉय सर के साथ भी मेरी पहली फिल्म है. एंड ये हमारे जो त्रिदेव हैं, इनके साथ भी मुझे जो काम करने का मौका मिला, दे हैव व्हाट दे हैव डन इन दिस फिल्म एंड व्हाट दे हैव डन फॉर द फिल्म, आई डोंट थिंक वर्ड्स कैन एक्सप्लेन. देर आर 7 to 8 सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड ईच वन ऑफ देम इज वन बेटर देन द अदर. हमें समझ ही नहीं आया कि किसको लॉन्च किसे करें पहले, बट यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम व्हेन यू गाइज हियर द एल्बम. हाय कंगना, दिस इज सोहेल. कंग्रेचुलेशंस, द सॉन्ग इज वेरी सोलफुल, टचिंग. जाना चाहेंगे दिग्गज है प्रशून जी और शंकर एशन लॉय, बट आपका भी एज बीइंग अ डायरेक्टर आपका भी कितना कंट्रीब्यूशन था लाइक म्यूजिक में? वेल, दिस सॉन्ग हैज बीन डन बाय क्रिस व्हेन ही वाज डायरेक्टिंग द फिल्म. There are other songs where I have worked on, jahan pe I will be able to tell you more how I contributed as a director, chahe wo Bharat Gana ho ya Tak Taki ho ya Raj, you know, yaad Raja Ji. So there were songs where I have contributed, but this song, Chris has worked with them, so obviously he'll be able to tell more about it. Shankar, Ashan, Loy, definitely congratulations to you. Prashun Ji, aapko bhi. A grand film. बहुत बड़ी फिल्म है और पेट्रियोटिक हिस्टोरिक फिल्म है, ऐसे में म्यूजिक देना कितना चैलेंजिंग होता है? वेल, एक्चुअली वन हैज टू हिट अपॉन द राइट इमोशनल थ्रेड फॉर द फिल्म एंड दैट वी ग्रैब्ड इट द मोमेंट वी कंपोज विजय भावा एंड वी न्यू दैट कभी इसकी म्यूजिक इज गोना गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड देन आफ्टर व्हेन कंगना केम इन, इट वाज अ कंप्लीट चेंज अगेन. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट शी ब्रॉट इनटू द फिल्म, अ लॉट ऑफ इमोशनल सॉन्ग्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, which really worked beautifully. And we've had a really, I think this is one of, I'd proudly say this is one of our best albums that we've done, you know, and I'm really, really proud to say that. And thanks to all these new singers and all who sung on the album, Siddharth, you know, Shivam, Prajakta and all, they've really done such a good job. You'll see the passion in the music and, you know, we're very proud of it. Hi, Prasoon and Kangna at the back. This is Priyanka from Indian Express. I wanted to ask you guys that, you know, how you said that the words jingoism or chest thumping are nowadays used to shame people and people should wear their patriotism or their love for their country on their sleeves. But on the other side, people who do that also shame those who don't believe in expressing their love for their country and, you know, openly. Or they have their own ways. We see how people have been beaten up in cinema halls when they don't stand up for national anthem. I mean, you can love your country and also express in your own ways. And that does not mean to thump your chest or go out and say things. So what do you say about that, about the other side of the debate? Well, to this, honestly, like Prasoon sir said, love is love. If you love your partner and you never want that partner's company, it's up to you. You can really internalize it. But it will never manifest into anything concrete. It will never really manifest into a beautiful relationship and nothing will come of it, no partnership. It will only be inside of you. The Constitution is a promise that all of us have made with each other, with the motherland. You understand what Constitution is, right? It's not a God-gifted gift. It's not a gift that has fallen from the heaven. If we add another piece of land into this land, we make a promise with even those set of people that this is what we oath to protect. So that promise needs to be owned. It needs to be shown that we own this promise. You cannot internalize it. It is not something to be internalized. You understand? I do understand.